द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस के नाल मैं राहुल काला। अज दी खबर पेश करने तो पहला अज का खालस विचार। दूजे के दुख विचों कदी भी अपनी खुशी ना लभो। तो हुण शुरुआत करते अज दी हेडलाइंस तो। पंजाब कैबिनेट च फौजा सिंह सरारी की छुट्टी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने मंत्री अहुदे का लिया हलफ। राजभवन च करवाया गया समागम। सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा और डॉक्टर का परिवार रहा हाजिर। फौजा सिंह ने निजी कारणों का हवाला देंद्या दिता सी अस्तीफा। पंजाब कैबिनेट च किए गए वड्डे फेरबदल। चेतन सिंह जोड़ा माजरा तो खोया सेहत विभाग। डॉक्टर बलबीर सिंह बने सेहत मंत्री। हरजोत बैंस तो वापस लिया जेल और माइनिंग विभाग। जेल मंत्रालय सीएम दे कोल अते माइनिंग डिपार्टमेंट देखणगे मीथेयर। फौजा सिंह सरारी दे अस्तीफे तो बाद पखी पंजाब दी सियासत। कांग्रेस अते अकाली दल ने घेरी भगवंत मान दी सरकार। सुखबीर बादल ते सुखपाल खहरा ने मामला दर्ज करके गिरफ्तारी दी कीती मंग। वायरल आडियो दी जांच करन दी भी कीती गई अपील। 29 जनवरी नूं पंजाब भर च रेलां दा होवेगा चक्का जाम। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों कीते गए वड्डे ऐलान। गुरदासपुर रेलवे ट्रैक अणमिथे समय लई रहेगा बंद। 6 और 11 जनवरी नूं भी होवेगे वड्डे धरने। 15 जनवरी नूं छड्डे जाणगे टोल प्लाजा। बंदी सिंघां दी रिहाई दा भखिया मुद्दा। मोहाली च लगाया गया पक्का मोर्चा। हवारा कमेटी दा ऐलान। बहवल कलां गोलीकांड दे दोषियों नूं भी दित्ती जावे सज़ा। कड़ाके दी ठंड विच भी जीरा शराब फैक्टरी दे बाहर मोर्चा जारी। फैक्टरी खिलाफ एकजुट होण दी अपील। जगजीत सिंह डल्लेवाल दा इल्जाम, सरकार कमेटियां नूं नहीं करन दे रही काम। धक्केशाही बंद करो नहीं तां होवेगा वड्डा संघर्ष। सुखबीर बादल ने मुड़ मुख्यमंत्री भगवंत मान दा मंगया अस्तीफा। कानून व्यवस्था दे चुके सवाल। कहा पंजाब दी इंडस्ट्री यूपी अते जम्मू च हो रही शिफ्ट। भगवंत मान ने बेपरवाह। सीएम योगी इंडस्ट्री नूं लगा रहे ने सन। लोक सभा मैंबर सिमरजीत सिंह मान दी सरकार नूं अपील। पंजाब नूं ऐलानिया जावे बफर स्टेट। हथियारां दे लाइसेंस ते लाई पाबंदी भी हटाई जाण दी कीती अपील। आईलेट सेंटरां अते इमीग्रेशन सलाहकारां ते जलंधर प्रशासन दी वड्डी कार्रवाई। 239 इमीग्रेशन सलाहकार अते 129 आईलेट सेंटरां दे लाइसेंस कीते गए सस्पेंड। कईयां नूं जारी कीता गया नोटिस। डीसी जसप्रीत सिंह दा एक्शन। मोहल्ला क्लीनिक नूं लैके वड्डी खबर। जलंधर नूं मिलणगे 48 नवां क्लीनिक। 26 जनवरी तो पहलां हो जाणगे जनतक। पंजाब पुलिस ने 1,55 करोड़ रुपए की हैरोइन की जब्त। 2 जणिआं नूं कीता गिरफ्तार। फाजिलका च नाकाबंदी के दौरान मिली कामयाबी। कार च रखी हुई सी खेप। 29 पैकेट किए गए बरामद। अमृतसर सरहद नेड़े BSF वालों की गई वड्डी कार्रवाई। 1 बंगलादेशी नागरिक नूं कीता गया गिरफ्तार। बिना वीजा पाकिस्तान जाण दी कर रहा सी कोशिश। रोकण ते टप्पण लगा सी कंडियाली तार। जवानां ने मौके ते दबोचिया। अजनाला सरहद नेड़े मुड़ तो देखी ड्रोन की हलचल। BSF जवानों वालों फायरिंग करके वापस भेजा ड्रोन। पाकिस्तान की नागपाक साजिश हुई नाकामयाब। उत्तर भारत ठंड का कहर लगातार जारी। पंजाब दे विच तापमान 2 से 3 डिग्री किया गया दर्ज। उत्तरी रेलवे जोन च 32 ट्रेना लेट। संघनी धुंद बनिया कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों नूं किया अलर्ट। अगले 4 दिन शीत लहर चलन की संभावना। सिक्ख्या विभाग के प्रिंसीपल सकत्तर नूं SC कमीशन ने किया तलब। दिल्ली दे विच बुलाया गया। 17 जनवरी नूं चेयरमैन विजय सांपला अगे होवेगी पेशी। DGP पंजाब नूं हदायत, गिरफ्तारी करके कमीशन मोहरे भेजा जावे। अरबाज अहमद मीर के खिलाफ केंद्र सरकार की वड्डी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने अतवादी दिता करार। लश्कर ग्रुप लई कर रहा सी काम, फिलहाल पाकिस्तान च लुकया होया। TRF तो बाद हुण PAFF ते की गई केंद्र सरकार वालों कार्रवाई। अतवादी संगठन दिता गया करार। उत्तर प्रदेश का सबका मंत्री ते उसका पुत्र गिरफ्तार। याकूब कुरैशी ते गैर कानूनी मीट पैकेजिंग प्रोसैसिंग करन दा इल्जाम। दिल्ली अते UP पुलिस ने सांझे ऑपरेशन के दौरान किया काबू। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा खेड तो लै रहे ने संन्यास। किया वड्डा ऐलान। दुबई दे विच WTA इवेंट च खेडणगे आखिरी मुकाबला। फिलहाल आस्ट्रेलिया ओपन खेडण दी तैयारी। देश च मुड़ वधन लगियां पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां। पंजाब दे विच पेट्रोल 49 पैसे होया महंगा। 48 पैसे डीजल दीआं कीमतां च कीता गया वाधा। पंजाब दी धी ने आस्ट्रेलिया च गड्डे झंडे। दिल कुमारी आस्ट्रेलिया पुलिस च होई भर्ती। भुलत्थ दे पिंड नडाला दी रहण वाली। मापिआं दा वध्या मान।
कैनेडा च पंजाबी मुंडे की निकली लॉटरी जिते $2.5 लाख सरी च रह रहा पलविंदर सिंह पा रहा लुडियां। अमेरिका च 6 साल के बच्चे ने अध्यापका ते चलाई गोली, हादसे दे विच टीचर हुई गंभीर जख्मी। वर्जीनिया दे रिच नेक एलीमेंट्री स्कूल की घटना, पुलिस मौके ते पहुंची। अज दी हेडलाइंस दे विच फिलहाल इना ही। देश ते दुनिया दीआं ताज़ा वड्डीआं खबरां जानण दे लई लगातार बने रहो द खालस टीवी नाल।